दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल न्यूज स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। ऐसे ही यूपी बोर्ड रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ घंटे के निशान को दबाइए ताकि हमारे वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख चुका होगा थंबनेल में कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म होते ही छात्रों का शुरू हो जाएगा परिणामों का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कि पत्रिका न्यूज से निकल कर आ रहा है, तो चलिए पूरी न्यूज आपको देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही थंबनेल में मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं कुछ अच्छा से अच्छा टिप्स देने वाला हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट के सभी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद education.in पर जाकर अपना परिणाम देखने के लिए कक्षा 12 के परीक्षा फल को PDF फाइल में डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 मार्च को समाप्त होते ही कक्षा 12 के छात्रों का परीक्षा फल का इंतजार शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इंटरमीडिएट कक्षा 12 के सभी छात्र इंटरनेट पर अपने परीक्षा परिणामों की सूचना देखने के लिए सर्च करने लग जाएंगे कि इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम कितनी तारीख को कब कितने बजे आएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी को बेसब्री से तो इंतजार होने ही लगता है। तो इंटरमीडिएट के सभी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट upmsp पर जाकर अपना परिणाम देखने के लिए परीक्षा फल को PDF फाइल में डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट कोई भी छात्र अपने परीक्षा परिणाम की प्रिंट आउट निकालना चाहता है तो वह उसको सबसे पहले परीक्षा फल को PDF में डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही 12 के छात्र अपने परिणामों को देख सकेंगे या उसका प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। साथ ही साथ इंटरमीडिएट के सभी छात्र अपने परीक्षा परिणाम की PDF फाइल को अपने पेन ड्राइव में अपने पास ही सुरक्षित रख सकते हैं, जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। इंटरमीडिएट के छात्र अपने अपने परीक्षा परिणामों से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही न्यूज़ निकल के आया था पत्रिका न्यूज़ से, जो कि मैंने आपको बहुत ही जल्द आपके पास पहुँचा दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो में कोई ना कोई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। हाँ, तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।